अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट ग्लोकोमेटस विजुअल फील्ड इफेक्ट, जिसमें हम अर्ली फील्ड इफेक्ट्स करने लगे हैं। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहला बता दी पैरासेंट्रल स्कॉटोमा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, पैरासेंट्रल स्कॉटोमा तो हमने बात कर ली कि पैरासेंट्रल एरिया में जो विजुअल फील्ड इफेक्ट होगा वो पैरासेंट्रल स्कॉटोमा होगा। दूसरा हमारा रेनीज नेजल स्टेप। अब रेनीज नेजल स्टेप क्या होता है? सिंपल सी एक बात है कि आपका जो नेजल फील्ड है, सपोज करते हैं कि ये वाली साइड है आपकी, ये नेजल एरिया एंड दिस इज ये टेम्पोरल एरिया। टेम्पोरल मतलब जो आपकी कान की साइड पे है और ये आपका नेजल एरिया, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो डिफेक्ट है पेशेंट की विजुअल फील्ड में, वो इस तरह से है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल रेफी है जो, इस नेजल साइड पे डिफेक्ट है। और ऐसा डिफेक्ट है कि यूं करके एक पूरा स्कॉटोमा बना हुआ है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल रेफी को क्रॉस नहीं कर रहा, वहां पर आके बिल्कुल रुक जाता है, ठीक है। वो नेजल साइड पे है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। नीचे भी वो आएगा, लेकिन इतना सा सपोज नीचे भी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे आके रुक जाता है। जरूरी नहीं है कि ऊपर हो, जरूरी नहीं है नीचे हो, जरूरी नहीं है कि एक एक जगह हो सकता है, दोनों जगह पर हो। लेकिन डिफेक्ट की स्पेशलिटी ये है कि एक तो वो आपकी नेजल साइड पे, दूसरा वो बिल्कुल आपकी हॉरिजॉन्टल जो रेफी है ना, वहां पर आके रुक जाता है। ऊपर भी होगा अगर, और नीचे भी होगा। हो सकता है जिस तरह मैंने अभी ड्रॉ किया ना, कि एक यहाँ पर खत्म हो रहे, एक यहाँ पर खत्म हो रहे, बिल मिल भी नहीं रहे दोनों, बट हॉरिजॉन्टल रेफी की वो जो है ना कर रहे हैं, बड़ा एहतराम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं रेनीज नेजल स्टेप। अच्छा गाइस, तो हमारे पास रेनीज नेजल स्टेप के बाद है, ठीक है। मैंने आपको बता दें रेनीज नेजल स्टेप में आपकी नेजल साइड पे विजुअल फील्ड जो हॉरिजॉन्टल रेफी के ऊपर है और जो नीचे है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ उससे हॉरिजॉन्टल रेफी से ऊपर वाली में प्रॉब्लम हो और उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हुई है, लेकिन नीचे वाली नॉर्मल हो। बट जो याद रखने वाली बात है वो ये कि हॉरिजॉन्टल रेफी का बड़ा एहतराम है, उसको लाइन क्रॉस नहीं करती। फिर हमारे पास आता है आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेजल स्कॉटोमा। नाम से ही आपको सारे समझ आ रहे हैं। अब क्या है पैरासेंट्रल? ये आइसोलेटेड का मतलब ये अकेला ही है, इसको कोई कोलेसिंग नहीं है, इसमें किसी से ज्वाइन नहीं कर रहा, और नेजल साइड पे सिंपली। पैरासेंट्रल स्कॉटोमा में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो स्कॉटोमा है वो आपके पैरासेंट्रल एरिया यानी फिक्सेशन पॉइंट से 30 डिग्रीज के अंदर अंदर है, ठीक है। अब आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेजल स्कॉटोमा में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये आपका इसी तरह फिक्सेशन पॉइंट के 30 डिग्रीज के अंदर अंदर है और आपकी नेजल साइड पे है, दैट्स इट, ठीक है। नेजल साइड पे है, बस इतनी सी बात है उसमें और इसमें डिफरेंस की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है बेयरिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। बेयरिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये नॉर्मल ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, दिस इज योर फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट जैसा मैंने बनाया हुआ है, और अगर आपका ये ब्लाइंड स्पॉट के आसपास वाले फाइबर्स डीजेनरेट कर जाए तो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो इनलार्ज होता जाएगा, ठीक है, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कि आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है जो पहले फिजियोलॉजिकल था वो बड़ा हो जाए और उसके आसपास के वाले जो फाइबर्स हैं वहाँ पर मसला हो, तो उसको हम कहते हैं कि दिस प्रोसेस नॉन एज बेयरिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट चेंज है जो आपको ग्लोकोमा में नजर आता है, इस वजह से आपने इसको याद रखना, दिस इज द अर्लीस्ट वन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है अगला है सिडल स्कॉटोमा, ठीक है। ये आपका अर्ली विजुअल फील्ड इफेक्ट्स का आखिरी है। तो सिडल स्कॉटोमा में सिंपली ये होता है कि आपका पैरासेंट्रल स्कॉटोमा है जो आपके ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा सा दूर बना है, ठीक है, ऐसे करके मैं बनाती हूँ। चलो अब देखें, ये वाला जो आपका ब्लैक कलर का मैंने बनाया है आपका नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट है। अब हमारे पास जो ब्लाइंड स्पॉट बनना शुरू हुआ है दैट इज इन द पैरासेंट्रल एरिया, यानी आपका जो ऑप्टिक डिस्क है उसके 30 डिग्रीज के अंदर अंदर ही, और ब्लाइंड स्पॉट भी अंदर अंदर ही होता है, वो यहाँ पर सपोज बनना शुरू हुआ है और फिर वो एक्सटेंड कर रहा है ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है, ऐसे करके, और ब्लाइंड स्पॉट से नीचे भी और ब्लाइंड स्पॉट से ऊपर भी, इस तरह करके उसने एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है। यूँ ब्लाइंड स्पॉट को भी उसने इंक्रोच किया, उससे ऊपर भी फाइबर्स हैं, उससे नीचे भी फाइबर्स हैं। तो इस तरह का अगर एक एरिया में स्कॉटोमा बनेगा तो आपको एक सिकल शेप एरिया बनेगा, ऐसे ही करके, द्रांति नहीं होती सिकल, ऐसे करके ही होती है ना, यूँ करके, उससे आप माली को देखा होगा आपने अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया एक सिकल शेप एक चीज़ बन जाती है जिसमें आपको ऑप्टिक डिस्क से ऊपर भी फाइबर्स खराब है, नीचे भी खराब है। तो इस तरह के स्कॉटोमा को हम कहते हैं सिंपली साइडल या सिडल स्कॉटोमा, जो आप पढ़ना चाहें, दोनों ठीक नाम है। अच्छा, अब हमारे पास ये अर्ली विजुअल फील्ड इफेक्ट्स तो खत्म हो गए, बहुत सिंपल थे। अब मैं आपको बताती हूँ मॉडरेट विजुअल फील्ड इफेक्ट्स कौन से हैं। ओके गाइस, तो हमारे पास जो मॉडरेट विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास चार आते हैं, जिनको हम बारी बारी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आर्कुएट स्कॉटोमा। आर्कुएट का जो वर्ड है वो आर्क से निकला है, और आर्क आपको पता है ऐसे जो हाफ ऑफ अ सर्कल होती है, ठीक है, ये दिस इज एन आर्क, या फिर सर्कल का कोई भी पोर्शन, मतलब एक पूरा ये सर्कल है ना, तो सर्कल का जो कोई भी पोर्शन होता है, अगर मैं सर्कल का इतना सा पोर्शन भी लूँ ये सर्कल का, तो वो भी आर्क कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो आर्कुएट स्कॉटोमा है वो ये होता है कि आपके पास, हमारे पास मतलब हॉरिजॉन्टल रेफी से या ऊपर या नीचे,
आपका स्कॉटोमा फॉर्मेशन स्टार्ट हो और वो इस तरह स्टार्ट हो कि वो इधर भी एक्सटेंड कर जाए, ठीक है, आर्क लाइक फैशन में, और आपकी लेफ्ट साइड पे भी एक्सटेंड कर जाए इन एन आर्क लाइक फैशन, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेफी पे जाके खत्म हो जाए, लाइक हॉरिजॉन्टल रेफी तक रहे, ठीक है। उसमें ब्लाइंड स्पॉट का भी कुछ पोर्शन इन्वॉल्व हो जाता है और कुछ नहीं होता जो नीचे होता है, और आपके पूरा एक आर्क की तरह की जो हमारी विजुअल फील्ड इफेक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरह के स्कॉटोमा को हम आर्कोइड स्कॉटोमा कहते हैं सिंपली, ठीक है जी। और कोई इसमें मसले की बात नहीं, बिकॉज इसमें पूरा एक बंडल ऑफ फाइबर्स इफेक्ट हो रहा होता है, तो एक पूरी आर्क लाइक एरिया बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला है रिंग स्कॉटोमा। अच्छा, आर्कोइड स्कॉटोमा का दूसरा नाम है जेरम्स, उसमें बी साइलेंट होते हैं तो हम सिर्फ जेरम्स स्कॉटोमा कहते हैं, तो जेरम्स के नाम से ना ये अक्सर आपके वाइवा और उसमें अपने जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें आते, तो आपने याद रखें, ठीक है। फिर रिंग स्कॉटोमा क्या है? रिंग आपको पता है कि ऐसे पूरा गोल जो सर्कल बन जाए उसको रिंग कहते हैं, रिंग ऐसे करके होती है ना, ऊपर डायमंड लगा होता है, ऐसे रिंग होती है। तो अगर हमारे पास ये आर्क जो बनी हुई है, जो आर्कोइड में बनी थी, ऊपर है, ऊपर के साथ साथ यही सेम आर्क नीचे की तरफ भी बनी हुई हो, लाइक पूरा एक ऐसे एक्सटेंशन इतनी ज्यादा स्कॉटोमा हो कि ऊपर वाली जो विजुअल फील्ड है उसमें पूरा एक इतना सा एरिया डिफेक्टेड है और नीचे वाली विजुअल फील्ड में भी पूरा एक आर्क लाइक एरिया इफेक्टेड है, तब हम कहते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ रिंग स्कॉटोमा, या दूसरे लफ्जों में डबल आर्कोइड स्कॉटोमा, यानी दो आर्क्स बन गए, ठीक है। फिर अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारा जो पेरिफ्री का सारा एरिया, मैंने आपको भी बताया कि एक सेंट्रल फिक्सेशन पॉइंट है, फिर जो पैरासेंट्रल एरिया और उसके बाद पेरिफ्रल एरिया, अगर पेरिफ्री का सारा एरिया जो है ये आपको नहीं नजर आ रहा और सिर्फ सेंट्रल एरिया बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, यानी आपकी एक जो विजन है वो नैरो होगी एक तरह से, जाहिर अगर आपको सारी पेरिफ्रीज नहीं नजर आएगी तो आपकी विजन नैरो हो जाएगी, तो इस चीज को हम कहते हैं कि दिस इज पेरिफ्रल डिप्रेशन, ठीक है। ये आपका एक बहुत कॉमन चीज़ है, जो कॉमन, और जो मैं कहती हूँ ना कि दिस इज द अर्लीस्ट, दिस इज द कॉमन, तो वो आपके ज्यादा आने के चांसेस होते हैं एमसीक्यूज में, इसलिए आप ऐसी बताया था। तो दिस इज अ वेरी कॉमन ग्लोकोमा का चेंज जो आपको नजर आता है, जिसे हम कहते हैं पेरिफ्रल डिप्रेशन, ठीक है। इसमें आपकी पूरा का पूरा एक पेरिफ्री का जितना एरिया है वो सारा खराब होता है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर क्या हो, अगर आपका ऐसे पूरा सेंटर में एक रिंग स्कॉटोमा भी बना हुआ है, पेरिफ्री का एरिया भी काफी सारा ऐसे खराब है, दरमियान में फिर सिर्फ ये जो इतना सा एरिया ना ये ठीक रहेगा, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है। अब ये जो हो क्या कि हमारे पास यहाँ से ये वाला जो आर्कोइड स्कॉटोमा ये एक्सटेंड करे और जाके ये ऐसे करके मिल जाए विद द पेरिफ्रल स्कॉटोमा, जो दरमियान वाला विजुअल फील्ड इफेक्ट है वो एक्सटेंड करके बाहर वाले विजुअल फील्ड इफेक्ट से भी मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं पेरिफ्रल ब्रेक थ्रू, के पेरिफ्रल जो पूरी एक डिफेक्ट है उसमें ब्रेक हुआ और उसके साथ वो रिंग स्कॉटोमा से भी जाके मिल गया, तो ये आपका पेरिफ्रल ब्रेक थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सिंपल से चार आपके मॉडरेट फील्ड इफेक्ट्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एडवांस्ड विजुअल फील्ड इफेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब एडवांस्ड विजुअल फील्ड इफेक्ट से तो नाम से पता चल रहा है कि मसला बहुत ज़्यादा कोई बड़ा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके बाद अब हमारे पास एडवांस किस्म का कोई ना कोई चेंज होगा, ठीक है। तो यही ये हुआ है हमारे पास एडवांस विजुअल फील्ड इफेक्ट में। सबसे पहले है सेंट्रल एंड टेम्पोरल आइलैंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, अगर ये मैं यहाँ पर एक और बना लेती हूँ, ठीक है, ये अगर मेरे पास है विजुअल फील्ड जो हमारी नज़र आती है, अगर सारी विजुअल फील्ड खराब है, लाइक सेंट्रल फिक्सेशन पॉइंट को छोड़ के, इसको सेंट्रल फिक्सेशन के सारी ही सारी विजुअल फील्ड जो है वो खराब है, यानी आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा सिवाय दो जगहों के, एक आपका सेंट्रल जो फिक्सेशन पॉइंट है उसके आसपास इतना सा एरिया इंक्लूडिंग द पॉइंट ये आपका नजर आने वाला है, और एक आपका पेरिफ्री में इतना सा एरिया सपोज करते हैं जहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, बाकी ये सारा एरिया इज योर ब्लाइंड एरिया, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लस टेम्पोरल आइलैंड, कि एक छोटा सा जजीरा आइलैंड जैसा एरिया सेंटर में और एक छोटा सा एरिया पेरिफ्री में जो विजन जहाँ पर ठीक है, बाकी सारी जगह पर विजन खराब है, सो दिस इज नॉन ए सेंट्रल टेम्पोरल आइलैंड। अगर ये टेम्पोरल भी ना हो और सिर्फ एक सेंट्रल विजन हो हमारे पास इतनी सी एरिया की जो फिक्सेशन पॉइंट है उसमें, तो उसको हम कहते हैं कि सेंट्रल आइलैंड है, और अगर हमारे पास सेंट्रल भी चला जाए यानी हमें फिक्सेशन पॉइंट पे भी नजर नहीं आ रहा, हमें सिर्फ एक टेम्पोरल एरिया में इतना सा एरिया जहाँ नजर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं टेम्पोरल आइलैंड, बाकी सारे विजन इसमें उड़ी हुई होती है, खराब हुई हुई होती है। तो ये आपके सारे के सारे विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, बहुत ही सिंपल है, बस आपको पेरीमेट्री का जनरल आइडिया होगा तो आपको आराम से समझ आ जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दीज। अब हम इमेजिंग टेक्निक्स करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।